हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कैपेसिटर आपके एग्जाम में आएगा, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आज अगर आप इस लेक्चर में आए हो तो ये आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा हुआ कि अगर आपने इससे पहले एक टॉपिक देख लिया हो जिसका नाम है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बाय अभिषेक साहू, यूट्यूब पे लिखोगे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये देख लिया तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा ना तो जहां पे बस जरूरत पड़े ना वहां पर एक बार इसको समझ लेना, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से, आपकी सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में, आज के एपिसोड में आपको खुशबू आएगी, फीलिंग आएगी, बस पूरी ईमानदारी से और शिद्दत के साथ इस लेक्चर को देखना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, मेरी बात को सुनना, जो मैं कह रहा हूं आपको उसको नोट करते चले जाना, और सारी सारी चीजों को बस एक बार ध्यान सुनते रहोगे ना तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि कैपेसिटर क्या होता है। तो याद रखना, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और अगर चार्ज स्टोर होता है तो हम बोलेंगे उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एक बार फिर सुनो, मैंने कहा कि कैपेसिटर, नोट करना अपन को, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, और चार्ज के स्टोर हो जाने से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, बोला कोई और ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, देती है? बोला हाँ है, मतलब बैटरी, जो हमारे सेल है, जो हमारी बैटरी है, वो वही तो, वो क्या करती है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देती है, समझ गए बात को। तो बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी भी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर भी देती है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और पहली चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कैपेसिटर होता क्या है, मैंने कैपेसिटर कहीं देखा है क्या? तो याद रखना, आपने देखा है, आपने उससे खेला है, आपने उसको खिलाया है अपनी गोद में, समझ रहे हो? कैपेसिटर पंखा, आपने अपना पंखा तो देखा ही है ना घर में, आपने अपना पंखा देखा, उस पंखे के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है गोल गोल, वही कैपेसिटर। बोला सर हम तो उसको कंडेंसर कहते हैं। तो वही कंडेंसर है, और उसी का प्यार का नाम, घर का नाम, फिजिक्स का नाम कैपेसिटर है, ठीक है ना। अच्छा देखो, तो उसका यूज क्या होता है, और हम कैसे मान लें कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी देता होगा? तो आपको मानना पड़ेगा, क्यों? बोला हम कह रहे हैं ना, हम कौन, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो आपको मानना पड़ेगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, और जरूरत पड़ने पर बहुत ज्यादा एनर्जी को एक बार में रिलीज कर सकता है। अच्छा अच्छा बात को सुनना, जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपका जो है ना पंखा जो है ना चलता नहीं है, ठीक है, आप जो उसको चलाने की कोशिश करते हो, आपने जो स्विच को ऑन किया लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, उसमें से आवाज आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है। फिर आपने क्या किया, बोला हम तो बहुत स्मार्ट है, आप एक लकड़ी लेकर के आए, और लकड़ी से आपने जो ना स्टार्टिंग में उसको इनिशियली थोड़ा सा घुमाया, और फिर आप देखते हो पंखा चलने लगा, पंखा चलने लगा तो आपको हवा आने लगी, आपका मन खुश हो गया, आप भूल गए, बोले ये क्यों हुआ। अब आपको मौका मिला है कि सीख जाओ कि जब आप पंखे को लकड़ी से घुमाते हो तो आपने क्या कर दिया, आप खुद ही कैपेसिटर बन गए। क्या बन गए? आप खुद ही कैपेसिटर बन गए। तो सुनो बात को ध्यान से, क्या होता है कि इस पंखे के अंदर लगा होता है कैपेसिटर, यानी कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, और जरूरत पड़ने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करना। अब सोचो कि पंखा, पंखा चला कौन रहा है? बोला चला रहा है करंट, ठीक है, चला कौन रहा है? चला रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, लेकिन उस पंखे को इनिशियल स्टार्टिंग में घुमा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्या बोला? कि उस पंखे को इनिशियली स्टार्टिंग में घुमा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि पंखा भारी होता है, ठीक है। तो उस पंखे को कौन घुमाएगा? बोला उस पंखे को घुमाने के लिए हमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रोटेशनल फोर्स, यानी कि बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है जो उसको घुमा पाए, और वो टॉर्क स्टार्टिंग में पंखे को घुमाने के लिए कौन देगा? बोला एनर्जी से मिलेगा। अब वो एनर्जी कौन देगा? तो वो एनर्जी हमें कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर देता है। कौन देता है? कंडेंसर। तो कंडेंसर करता है कि जब पहले उसमें करंट आता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। फिर क्या करेगा? फिर क्या करेगा? फिर जो है ना इसको बहुत ज्यादा घुमाने के लिए पंखे को, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो पंखे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाने के कारण से वो स्टार्टिंग में घूमने लगता है। अब जैसे जैसे कंडेंसर जो है ना खराब होने लगता है, या फिर डिस्चार्ज, मतलब आप ऐसे बोलोगे टाइम पूरा होने लगता है उसका, तो फिर क्या होगा कि वो जो है ना अब अपना काम को सही से नहीं कर पाता। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो स्टार्टिंग में अब इतना ज्यादा जो एनर्जी है वो नहीं दे पाता। तो क्या होता है, फिर हम लकड़ी लेकर के आते हैं। पंखा चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? पंखा चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन स्टार्टिंग में उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन?
उस स्टार्टिंग में उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका कैपेसिटर यानी कंडेंसर। तो क्या करते हैं, हम लकड़ी लेकर के आए, हमने क्या किया उसको घुमाया, नहीं चढ़ पा रहे हो, पहुंच ही नहीं पाया, आप स्टूल पर खड़े हो गए, आई ला अब खड़े हो गए, देखो अब आपने उसको घुमाया और घुमाने के बाद जैसे आपने घुमाया पंखा चलने लगा, अब पंखा चलने लगा, पंखा नहीं रुकता आपका बीच में, क्यों, क्योंकि अब उसको कैपेसिटर की जरूरत नहीं है, अब पंखा नहीं रुकता। तो कंडीशन क्या, तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जब आप पंखे को बंद करोगे तो दोबारा से आपको जो लकड़ी से घुमाना पड़ेगा और फिर पंखा चलने लगेगा। तो फिर बार बार ऐसा करते हैं क्या, नहीं, फिर हम करते हैं, बोला इसका कंडेंसर यानी कैपेसिटर खराब हो गया, इसको चेंज कर देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कैपेसिटर क्या होता है, कैसा दिखता है, बोला क्या काम करता है, तो काम इसका है कि एक बार में ये बहुत ज्यादा एनर्जी को दे सकता है ताकि जो है ना पंखे जैसी चीजें घूम जाए। अच्छा, बोला और कहीं देखा हमने कैपेसिटर, बोला देखा है, क्यों नहीं देखा, दुनिया में अगर आए हैं जीना भी पड़ेगा, और अगर हमारे सामने कोई चीजें आ रही हैं तो उसको देखना ही पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। तो कैपेसिटर आपने कहां और कहां देखा है, बोला इलेक्ट्रॉनिक जितने भी अपने डिवाइसेस होते हैं उनमें छोटे छोटे से कैपेसिटर लगे होते हैं, लैपटॉप में लगे होते हैं, कैमरे में लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं, है ना। तो ये पंखे वाला एग्जांपल हुआ, समझ गए, तो आपने देखा है नहीं देखा, बोला देखा है। अच्छा, तो कैमरे का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मान लो मैंने कहा ये कैमरा है और ये सुंदरी है, समझ रहे हो, ये सुंदरी है, ये कह रही है कि परी हूं मैं, परी हूं मैं, ये क्या कह रही है, बोला परी हूं मैं, बोला आओ फोटो खींचते हैं तुम्हारा परी है तो देखो ठीक है, प्यार से बात सम्मान के साथ, ठीक है, यत्र नारेस्तु पूजंत्रे रमंते तत्र देवता, तो बात समझ पा रहे हो आप मेरी, तो इसको प्यार से अपन बोलेंगे आओ बहन आपका फोटो खींचते हैं, ठीक है ना। तो सुनो, ये अपने पास कैमरा है और यहां पर जो है ना ये फ्लैश लगा हुआ है, आपने देखा, बोला जब फ्लैश चलता है ना कैमरे का तो बहुत ज्यादा लाइटिंग होती है, बहुत ज्यादा लाइटिंग, अब ये बहुत ज्यादा लाइटिंग, इतनी ज्यादा लाइटिंग जो है ना बैटरी नहीं कर पाती, समझ पा रहे हो, इतनी ज्यादा लाइटिंग के लिए जरूरत होती है कैपेसिटर की, किसकी, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा, पहले अपने अंदर एनर्जी लेगा, और जब हमें अचानक से फ्लैश जलाना है ना तो क्या करेगा, कैपेसिटर अपनी एनर्जी को एक बार में बहुत ज्यादा रिलीज करेगा तो अपना फ्लैश जल जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, इस बहन का क्या हो जाएगा, फोटो खिंच जाएगा और अपन उससे बोलेंगे कि सच में परी हो बहन तुम, बात समझ में आ पा रही है। तो यहां पर कंडीशन क्या बनी कि कैपेसिटर हमने देखा है, कैपेसिटर का यूज हमने समझा है, अब बात करते हैं कि अब बताओ कैपेसिटर क्या होता है। तो क्या बोलोगे, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर चार्ज स्टोर हम करते हैं, चार्ज को स्टोर करने से उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बोला अब बताओ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो फिर बैटरी भी देती है, लेकिन कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है। तो याद रखना, बैटरी जब एनर्जी प्रोवाइड करती है तो वो कांस्टेंट रेट से प्रोवाइड करती है, कैसे, कांस्टेंट, जो जैसे मान लो 2 एम्पीयर करंट अगर वो दे रही है तो 2 एम्पीयर करंट ही वो देती रहेगी, 2 एम्पीयर का देती रहेगी, लेकिन कैपेसिटर करता है, कैपेसिटर एक बार में बहुत ज्यादा करंट दे देता है, काम हो जाता है। अच्छा देखो, जैसे मान लो आपने टीवी में देखा ना डिफिब्रिलेटर, क्या डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर क्या बोला डॉक्टर, जब किसी की जो है ना जैसे मान लो हार्ट बीट जाने वाली होती है तो डॉक्टर करते हैं एक ऐसा डिवाइस लेके आते हैं, है ना, उसको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उसको उसके चेस्ट पे लगाते हैं और फिर क्या लगता है उसको बहुत ज्यादा शॉक लगता है, अपने बिस्तर से एकदम उठ उठ के जाता है, समझ पा रहे हो ना बात, समझे, क्यों, क्योंकि हार्ट जब पंप होना बंद करता है तो उसको दबाना पड़ता है हाथ से, जब उसको हाथ से दबाना पड़ता है, अब हाथ से हम इतना नहीं दबा पाते कि जो है ना रिब्स के अंदर जाकर के उसको इतना फोर्स लग जाए कि वो वापस से पंप करने लगे, तो उसको इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कि वो वापस से पंप करने लगे, तो उसके लिए किसका यूज होता है, उसके लिए होता है डिफिब्रिलेटर का। जब डिफिब्रिलेटर को उसकी चेस्ट पे लगाया जाता है तो कैपेसिटर होते हैं वो, क्या होते हैं उसके अंदर, कैपेसिटर। तो एक बार में इतनी एनर्जी मिलती है कि उसको इतना शौक लगता है कि अगर वो पर्सन रिवाइव कर सकता है, अगर उसका उसकी जान वापस आ सकती है तो आ जाएगी, अदरवाइज आपने कई बार टीवी में सुना होगा डॉक्टर ने कहा होगा इसको यूज करने के बाद, डिफिब्रिलेटर को यूज करने के बाद, सॉरी आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर, सुना है नहीं सुना। तो बस ये काम किसका होता है, बोला कैपेसिटर का। तो याद रखना बोला कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या, तो बोला कोई डिफरेंस नहीं है, बैटरी और कैपेसिटर दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैटरी कांस्टेंट रेट से प्रोवाइड करती है, एक जैसी रेट से प्रोवाइड करती है, लेकिन कैपेसिटर एक बार में बहुत ज्यादा एनर्जी को हमें प्रोवाइड करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, डिस्चार्ज करता है। तो यहां तक आपको कैपेसिटर की बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर बनता कैसे, किसकी बात करेंगे, बोला कैपेसिटर बनता कैसे, कैपेसिटेंस क्या होती है, कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें ये समझना होगा कैपेसिटर कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि कैपेसिटेंस क्या होती है, क्या समझना होगा कैपेसिटेंस। अच्छा देखो, कैपेसिटेंस का मतलब है, बात को सुनो, बोला समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। देखो मैंने कहा कैपेसिटेंस क्या होता है, तो याद रखना कैपेसिटेंस का मतलब है
किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी नहीं माने। नहीं सुना एक बार सुनो, मैंने कहा कैपेसिटर क्या होता है, तो याद रखना कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं विदाउट लीकेजिंग। नहीं समझ में आया? मैंने कहा मेरे पास जैसे मान लो ये कंडक्टर है, एक्चुअली ये मेरे पास कंडक्टर नहीं है, लेट से चलो मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है ठीक है। अब मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया ठीक है, मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता चला जा रहा हूं, देते जाओ ठीक है। मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, अब इस कंडक्टर को जब मैंने चार्ज दिया तो मैं इसको कितना चार्ज दे सकता हूं, सोचो मैं इसको कितना चार्ज दे सकता हूं, तो मैं इसको बहुत चार्ज दे सकता हूं, और जितना चार्ज ये होल्ड करके रख सकता है ये कंडक्टर वही इसकी कैपेसिटेंस है। वैसे इसमें तो कोई मजा नहीं आया, ये तो नॉर्मल सी बात है, तो नॉर्मल सी बात नहीं। अभी आप मेरी बात को सुनो, मैंने कहा कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है विदाउट लीकेजिंग ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर ठीक है। तो मेरे पास ये कंडक्टर हो गया, अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, और मैं इसको बहुत ज्यादा चार्ज दे पा रहा हूं, तो मैं इसको कितना और चार्ज दे सकता हूं। तो मैंने कहा कि जब तक चार्ज लीकेज ना हो। अच्छा, तो बोला चार्ज लीकेज कब होता है चार्ज लीक। तो हमारा आंसर है चार्ज लीक होना डिपेंड करता है कि इसके आसपास इसके सराउंडिंग में कौन है, किस तरह का मीडियम इसके सराउंडिंग में है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि चार्ज लीक कब होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे छोटी सी बात कह रहा हूं, मैंने इसको चार्ज दिया क्यों, क्या दिया मैंने इसको, बात को समझना बहुत जरूरी है, मैंने इसको क्या दिया, चार्ज दिया। नहीं समझते, मैंने इसको चार्ज दिया, चार्ज देने से क्या होगा, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिससे क्या होगा, बोला इस जगह के पास कुछ पोटेंशियल आ जाएगा ठीक है ना। पोटेंशियल का मतलब है इस लोकेशन की क्षमता, इस लोकेशन की कैपेसिटी कि किसी चार्ज पे वो कितना फोर्स उस जगह पे लगा सकती है, वहां तक आते थे कि चार्ज ने कितना काम किया ठीक है। बात को सुनो, मैंने कहा कि मैंने इसको चार्ज दिया, इस चार्ज को देने से ये जो है ना इस रॉड, ये कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा जिसके कारण से अलग अलग लोकेशन पे कुछ पोटेंशियल आ जाएगा ठीक है। मैंने इसको चार्ज दिया और चार्ज देते चला गया तो फिर क्या होगा, तो फिर इस जगह के पास और ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि मान लो इसके सराउंडिंग में, बात समझ पा रहे हो ना, मान लो इसके सराउंडिंग में एयर है, क्या है, एयर, तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, एयर के कुछ एटम होंगे, एयर के क्या है, बोला एयर के कुछ एटम है, मान लो कि भाई इसके पास जो है ना बहुत ज्यादा चार्ज आ गया ठीक। अब हमने चार्ज दिया तो और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी स्ट्रेंथ जब इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाती है तो फिर एयर के इलेक्ट्रॉन टूटने लग जाते हैं अपने एटम से, तो क्या होगा, हमने इसको चार्ज देते गए और चार्ज देने से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली गई, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो गई इसका पोटेंशियल इतना हो गया कि इसने एयर के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो हमने एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया था उसका क्या हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया एयर के और वो खुद न्यूट्रलाइज हो गया। हमने इसको चार एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिए तो अब क्या करेगा, ये चार एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दिए तो फिर ये चार एयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बोला ये चारों को चारों न्यूट्रलाइज हो गए। फिर हमने क्या किया, इसको 100 पॉजिटिव चार्ज और दिए तो क्या होगा, 100 पॉजिटिव चार्ज और दोगे तो जिसके कारण से क्या होगा, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर यहां तक पहुंच जाती है तो फिर क्या होगा कि 100 पॉजिटिव चार्ज आपने एक्स्ट्रा दिए थे ना, तो एयर के 100 इलेक्ट्रॉन टूट करके आ जाएंगे और उसके 100 पॉजिटिव चार्ज से मिल जाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब हम कुछ भी करते हैं ना, अब हम उसको थोड़ा भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज अपने हिसाब से इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लाएगा और खुद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं कि जो चार्ज हम दे रहे हैं वो चार्ज अब इसके पास जा नहीं रहा, वो चार्ज लीक हो रहा है और हम उसको बोलते हैं लीकेजिंग प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, लीकेजिंग प्रॉब्लम। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब ये है कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, खुद के पास रख सकता है विदाउट लीकेजिंग, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, तो ये कैपेसिटेंस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो कैपेसिटेंस इस चीज पर डिपेंड करती है कि भाई हम इसको कितना चार्ज दे सकते हैं। बात समझ गए ना, जैसे मान लो मेरे पास ये छोटी सी रॉड है,
ठीक है, और मेरे पास एक बड़ी सी रॉड है, तो बताओ किसके पास ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, दोनों सेम मीडियम में रखे हुए हैं, बोलो किसके पास ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, तो बोलेंगे भाई इसके पास ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, तो क्या बोलोगे, मतलब कैपेसिटेंस, ये फैक्टर अफेक्टिंग हो, क्या हुआ, फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या बोलोगे आप, बोलना कि भाई ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर पे, किस पे, साइज ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखोगे, दूसरी बात ये लिखना, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ कंडक्टर के अलावा, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि इसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, क्या डिपेंड करेगा कि इसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, ठीक है। मैंने कहा इसके सराउंडिंग में एयर है, मैंने क्या कहा कि इसके सराउंडिंग में एयर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि इसको हम चार्ज देंगे, चार्ज देने से वोल्टेज बनेगा, मतलब पोटेंशियल बनेगा ना। अब पोटेंशियल की वैल्यू अगर 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर पर पहुंच गई, तो फिर क्या होगा कि इतने वोल्ट पर मीटर पर पहुंचने से जो एयर है उसका इलेक्ट्रॉन टूटने लग जाता है, एयर का इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो फिर ये न्यूट्रल होने लगेगी। तो बात को समझे, मैंने क्या कहा कि ये डिपेंड करता है कि इसके सराउंडिंग में क्या है। मैंने इसको सराउंडिंग में कोई और गैस रख दी, मान लो मैंने इसको सराउंडिंग में रख दी नाइट्रोजन, ठीक है ना, मैंने इसको सराउंडिंग में रख दी नाइट्रोजन। अब मान लो ऐसा होता कि नाइट्रोजन, मान लो ऐसा होता कि नाइट्रोजन की जो वैल्यू होती वो होती 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि हमने इसको चार्ज दिया, चार्ज से बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा वोल्ट, मतलब पोटेंशियल, ठीक है ना। तो फिर क्या होता कि जैसे हम 100 वोल्ट पर मीटर पहुंचते, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है ना जाता और इसको न्यूट्रलाइज कर देता। तो ये लीकेजिंग प्रॉब्लम किस पर डिपेंड करने, मतलब दैट मीन्स कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करने वाली है, कैपेसिटेंस डिपेंड करने वाली है कि हम इसको कितना चार्ज देते हैं, किस पर डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी कि हम इसको, सॉरी, इसका साइज क्या है, साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरी चीज सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर, क्या बोलोगे, सराउंडिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तीसरी चीज आप यहां पे और लिख लें, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, क्या बोलोगे, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ये कैसे होता है बताते हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर, ठीक है। इतनी चीज को अगर आप नोट करना चाहते हो तो प्लीज आप इसको नोट कर लो फास्ट, हो गया। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें यहां पर एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है जो समझना चाहिए कि अगर हम इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर, हम कुछ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, हम कुछ नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बोला क्या कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन यह है कि हम कैपेसिटेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्या बोला मैंने, किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं कि हम उसको और ज्यादा चार्ज दे पाए। देखो प्रॉब्लम ये हमारे साथ कि अगर हम चार्ज दे रहे हैं इस कंडक्टर को, प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं क्यू, तो क्यू देने से क्या बढ़ रहा है इसका, बोला बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो उस जगह की ताकत बढ़ जा रही है और वो कर रहा है कि भाई वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी छिटक किया जा रहा है, समझ गए बात को। तो हमारी बात यह है, हम चाहते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर जो है चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हम क्या चाहते हैं कि हमारे डिवाइस के अंदर, हमारे कैपेसिटर के अंदर चार्ज ज्यादा से ज्यादा आ जाए और उसका पोटेंशियल जो है कम से कम हो जाए, ये हमारी चाहत है, ये हमारी डिजायर है, बात समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि यहां पर चार्ज ज्यादा देते चले जाओ और पोटेंशियल कम बढ़े। क्या करेंगे, तो जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा है ना, तो सुनो, बोला पोटेंशियल किस तरह की क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल क्या है, बोला पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मान लो मैंने कहा कि भाई इसके कारण से यहां पर पोटेंशियल बन रहा है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल बन रहा है कितना, 100 वोल्ट, ठीक है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ता चला गया और अगर ये 30 लाख वोल्ट के बराबर हो, कितना, 30 लाख, हाँ जी, 30 लाख वोल्ट पर मीटर के बराबर हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा कि यहां का इलेक्ट्रॉन, एयर का इलेक्ट्रॉन टूटने लग जाएगा। तो देखो इसके कारण से लेट्स से यहां पर पोटेंशियल बना 100 वोल्ट। अगर हम एक काम करते हैं कि यहां पर जो है ना एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले आए, क्या बनाए यहां पर ले आए नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो फिर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगी, वो भी यहां पर अपना पोटेंशियल बनाएगी, तो नेगेटिव के कारण बनेगा पोटेंशियल कितना, नेगेटिव। तो हमने कहा कि भाई इस प्लेट के कारण से या इस रॉड के कारण से पोटेंशियल बना लेट से यहां पे 60 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल कितना होगा, बोलो 40 वोल्ट, कितना हो गया, बोलो 40 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों को चार्ज भी दे दिया और इस लोकेशन का पोटेंशियल भी नहीं बढ़ा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको चार्ज दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं। बोला हम किसी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं, तो हम उस कंडक्टर को बहुत सारा चार्ज दे सकते हैं, कितना, इन्फिनाइट,
किस पे डिपेंड करने वाला है कि उसके सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। अब अगर उसको सराउंडिंग में कोई मीडियम ही नहीं है तो कहां लीक होगा वो, तो फिर वो लीक नहीं होगा ना। तो हमारा आंसर है कि अगर हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, और अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन तोड़ करके लाएगा। तो इसका मतलब है कि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ता है, और ये अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि चार्ज दो लेकिन पोटेंशियल ना बढ़े। तो पोटेंशियल को कम करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इस कंडक्टर के पास में, इस कंडक्टर के नीबरिंग में, इस कंडक्टर के सराउंडिंग में हम दूसरा एक ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर ला सकते हैं, एक दूसरा कंडक्टर ला सकते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि इसके पोटेंशियल की वैल्यू को कम करेगा। तो हमारा आंसर क्या है कि हम अगर ऐसा कर दें कि इस कंडक्टर के सराउंडिंग में कोई दूसरा अनचार्ज या फिर ऑपोजिटली चार्ज कंडक्टर ले आए तो फिर क्या होगा कि हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं और उसका वोल्टेज फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम यहां से कुछ जरूरी सी बातें यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, मेरी बात समझ में आ पा रही है आपको, मेरी बात समझ में आ पा रही है ना। तो देखो सिंपल सी बात, मैंने कहा एक कैपेसिटेंस, अब आप यहां से हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस, क्लियर है। अरे भाई बोर हो गया आप, ठीक है बोर हो गया आप, बात को समझने की कोशिश करो कि अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बड़े हो गए हो आप। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं कि थक तो नहीं गए हो ना। चलो बाद में आपको एक कहानी सुनाएंगे मस्त। देखो कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा कि भाई कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, पहली चीज चार्ज देते चले जाओगे तो क्या बढ़ेगा, बोला पोटेंशियल बढ़ेगा। तो देखो चार्ज देते चले जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा तो Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। यहां पे ये क्या है, सी क्या है, सी इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या बोला, सी इज इक्वल टू, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस, क्या बोलोगे कॉल्ड कैपेसिटेंस, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और उसका नाम क्या है मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, इस C को हम यहां से Q अपॉन V लिख सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, क्या हो गया चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अगर हम इसके यूनिट बनाना चाहें तो इसकी यूनिट क्या बनाएंगे, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, बोला कूलाम, क्या होती है कूलाम, ठीक है। पोटेंशियल की यूनिट V की, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, बोला वोल्ट, ठीक है। अच्छा तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर वोल्ट, क्या हो गई कूलाम पर वोल्ट। अच्छा कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट जो है वो है फैराड, कितनी है मतलब फैराड, तो फैराड इज इक्वल टू क्या होगा कूलाम, कूलाम पर वोल्ट, क्या होगा कूलाम पर वोल्ट, ठीक है ना, क्या हो गया कूलाम पर वोल्ट। अच्छा मैंने कहा एक फैराड कितना होता है, तो क्या बोलोगे यहां से डिफाइन करोगे एक फैराड कितना होता है, कि यदि हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर हम एक कूलाम चार्ज दें, एक कूलाम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल एक वोल्ट बढ़ जाए तो उस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होगी ना वो वन फैराड होगी। क्या बोला मैंने, मेरे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैंने एक कूलाम चार्ज दिया, एक कूलाम चार्ज दूंगा तो अगर इसका पोटेंशियल एक वोल्ट बढ़ गया तो उसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है वन फैराड। अब इस वन फैराड की कीमत आपका जानो, इस वन फैराड की कीमत आपका जानो स्टूडेंट बाबू, ये वन फैराड बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है तो सर बहुत बड़ा, ये वन फैराड इतना बड़ा होता है ना कि अगर पूरी धरती को भी चार्ज देंगे तो उस धरती का की कैपेसिटेंस एक फैराड नहीं हो पाएगी, इतना बड़ा। हम कैसे मान ले, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा कि हम जान पाए कि कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज बताओ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि SI यूनिट क्या होती है इसकी, बोले SI यूनिट होती है फैराड, फैराड इज इक्वल टू क्या कूलाम पर वोल्ट। मैंने कहा एक फैराड कितना होता है, तो अगर एक कूलाम का चार्ज आप किसी कंडक्टर को दो और उस कंडक्टर का पोटेंशियल एक वोल्ट बढ़ जाए तो क्या बोलोगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी, बोला वन फैराड। बोला वन फैराड बड़ा होता है छोटा होता है, बोला वन फैराड बहुत बड़ा होता है, स्टूडेंट बाबू उसकी अहमियत को एक बार में नहीं समझ पाते, ठीक है ना। तो वन फैराड बहुत बड़ा होता है, क्या करना पड़ेगा हमें समझना पड़ेगा कि एक फैराड कितना होता है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि अर्थ का पोटेंशियल, अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी है और उसको कैसे निकालते हैं। तो देखो पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो यहां से आप जो है ना हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, क्या बोला मैंने कंडेंसर नहीं बोला, मैंने बोला स्फेरिकल कंडक्टर। तो आप यहां पर हेडिंग बनाओ, क्या बोलोगे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है ना। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस समझाइए, तो देखो लेट्स से मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या है मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है। अब मेरे पास अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो यहां से मैंने कहा कि इसकी रेडियस कितनी, प्लस की रेडियस है आर,
ठीक है, मैंने इसको क्या दिया, मैंने इसको दिया चार्ज, चलिए मैंने इसको चार्ज दे दिया, मैंने इसको चार्ज दिया, मैंने इसको चार्ज दिया, ठीक है, चलिए मैंने इसको चार्ज दिया, चार्ज दूंगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो पोटेंशियल, क्या बढ़ेगा पोटेंशियल। अच्छा देखो, तो अगर मैं बोलूं कि इस पर कितना पोटेंशियल आ गया होगा, इस पर कितना पोटेंशियल आ गया हो, तो V इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने इसको चार्ज दिया तो 1/4πε0 Q अपॉन R, कितना पोटेंशियल आ गया होगा, इतना पोटेंशियल, ये क्या है कंडक्टर, तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे होगा अंदर इसके, ठीक है। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, तो अगर मैं इसको ऐसा करूंगा Q अपॉन V, तो V की वैल्यू क्या है, बोला 1/4πε0 Q बाय R, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से मुझे मिल जाएगा 4πε0 R, ठीक है, 4πε0 इंटू R, ठीक है, ये वैल्यू मुझे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो कैसे करोगे, बोला Q ये इंटू करके 4πε0 इंटू R, Q से Q कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। अब देखो, मानो आपसे कह दिया जाए व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है, ये अपन को बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो बस वैल्यू पुट कर दो, C इज इक्वल टू 4πε0। अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2, यूनिट की बात नहीं कर रहे हम, देखो तो 1/4πε0 की वैल्यू ये है, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9×10⁹, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है ना, तो उसको मीटर में करेंगे 10⁻³ मीटर, कैंसल वैंसल करोगे सारी बातें, तो उसको करके देखना आपका आंसर आएगा 711 माइक्रोफेराड, क्या आएगा 711 माइक्रोफेराड, ठीक है, कितना आएगा 711 माइक्रोफेराड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 711×10⁻⁶ फेराड। अब देखो ये एक फेराड भी नहीं होगा, अगर हम अर्थ के जितना बड़ा एक कंडक्टर लेंगे और उसको चार्ज देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस इतनी भी नहीं हो पाएगी कि वो एक फेराड के बराबर हो जाए, तो एक फेराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो बोला सर हमें इतनी बड़ी यूनिट लेने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसी यूनिट का क्या फायदा कि अगर हम उसको यूज ही ना कर पाए, तो याद रखना कि ऐसी यूनिट का फायदा कुछ नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, उनके सम्मान में ऐसा करना पड़ा, सम्मान के पीछे तो पता नहीं क्या 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 काम क्या क्या कारनामे क्या क्या चीज होती है ना, सम्मान के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, तो बस याद रख लेना कि माइकल फेराडे के सम्मान में, माइकल फेराडे के ऑनर में ये जो है ऐसा यूनिट डिसाइड की गई, बोला कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या, बोला फेराड, क्या हो गई फेराड, फेराडे के नाम से फेराड बढ़ गई, बोला फेराड का, बोला फेराड तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम अर्थ को चार्ज देंगे तब भी उसकी जो है ना कैपेसिटेंस एक फेराड नहीं हो पाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे, बोला प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, प्रैक्टिकल यूनिट कैपेसिटेंस की क्या होती है, तो क्या बोलोगे, बोला माइक्रो फेराड, ठीक है ना, 10⁻⁶ फेराड, ठीक है ना, पिको फेराड 10⁻¹२ फेराड, ठीक है ना, तो माइक्रोफेराड पिको फेराड ये यूज होती है हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, कभी अब आप पंखे का कैपेसिटर लेके आओ ना, तो उसको देखना साफ साफ अक्षरों में लिखा होगा, बोलो माइक्रोफेराड, क्या लिखा होगा, साफ साफ वर्ड्स में लिखा होगा माइक्रोफेराड, तो उस डेरिवेशन को आप यहां से यहां तक नोट कर लोगे, क्या कर लोगे, यहां से यहां तक नोट कर लोगे, समझ में आया, तो ये डेरिवेशन किसका हुआ, ये डेरिवेशन हुआ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम ये जानेंगे कि हम कैपेसिटर कैसे बनाएं, अब हम ये जानेंगे कि हम कैपेसिटर कैसे बनाएं और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से निकालें, आप चाहते हो तो प्लीज उसको नोट कर लेना, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा, नोट हो गया, चलिए तो देखो सिंपल सी बात है कि इसको रेज करते हैं, इसको हटाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप कब क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना, सबसे पहले हमने कैपेसिटर की कहानी पढ़ी, ठीक है, फिर हमने पढ़ा कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस को कौन कौन इफेक्ट करता है, फिर हमने पढ़ा कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, जब आप अपनी बुक में देखते चले जाओगे ना कि हाँ ये चीज है, तो आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करो, नहीं तो सारी कहानी मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है ना, सारी कहानी मिक्सअप हो जाएंगी और मिक्सअप करना नहीं चाहते, ठीक है, तो आप हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बनाओगे हेडिंग, बनाओ फास्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, सारी चीजों को नोट करते चले जाना आराम से, ठीक है ना,
चलो तो देखो सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्पेयरिंग जो आपका जो है ना जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कैसे बनता है, ठीक है ना। तो देखो आपने यहां पे लिख दिया, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कैपेसिटर कैसे बनता है, ठीक। तो ओके, तो देखो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपेसिटर हमारा बनता कैसे। सारी बातों को ध्यान से समझोगे, समझोगे नहीं समझोगे, सारी बातों को ध्यान से सुनना। तो लेट से मान लो मेरे पास क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इस तरह से एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में रख दिया, ठीक है। आप देखो क्या होता है कि भाई मैं इसको चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज दे पाऊं, तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। मैंने क्या किया, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास में एक न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल प्लेट लिखा है। कैसी प्लेट? न्यूट्रल प्लेट। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट क्या करेगी, इस न्यूट्रल प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच लेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए तो ये वाला एंड कैसा बच गया, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल जो है ना, इस सिस्टम का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। कैसे होगा, सॉरी, हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब इसका पोटेंशियल कम हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि मान लो इसके खुद के कारण यहां पे पोटेंशियल बन रहा है 100 वोल्ट, ठीक है। देखना नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल बन रहा है, लेट्स से मैंने कहा कि -30 वोल्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इससे दूर है नेगेटिव से, तो डिस्टेंस थोड़ी सी इस पॉइंट के लिए ज्यादा हो गई, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल बन रहा है, लेट्स से मैंने कहा कि +20 वोल्ट इस पॉइंट पे बन रहा है। नहीं बन रहा है, पोटेंशियल फॉर्मूला होता है ना, K/R, ठीक है। तो ये बताओ इस जगह पे टोटल पोटेंशियल कितना हुआ, क्या बोलोगे कि ये 70 और +90 कितना हो गया, इस जगह पे टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 90 वोल्ट, कितना हो गया, 90 वोल्ट। अच्छा अगर हम ऐसा करते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से गायब कर दें, कैसे करेंगे, बोला यहां पे अर्थिंग कर दो, यहां पे अर्थिंग कर दो, अर्थिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एंड से पॉजिटिव चार्जेस सारे हट गए, सारे पॉजिटिव चार्ज हट गए, ठीक है। तो ये वाली प्लेट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल। तो हम क्या बोलेंगे कि इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल बना 100 वोल्ट और इस माइनस के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल बना -30 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल हो गया आपका 90 वोल्ट से अब कितना हो गया, 70 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कम हो गई, तो हम इसको अब और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जरूरी बात क्या है कि एक हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लेंगे और एक दूसरी न्यूट्रल प्लेट लेंगे, न्यूट्रल प्लेट को हम अर्थ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर केवल नेगेटिव चार्ज बचेंगे और आप इसकी अर्थिंग को हटा देंगे। क्लियर है इतनी बात, चलिए। तो कैपेसिटर क्या है, मतलब कैपेसिटर जो है ना ऑपोजिटली चार्ज प्लेट का एक सिस्टम है जिसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि यहां पर बनाते हैं आप एक कैपेसिटर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये आपके नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, क्लियर है, ठीक। देखो कंडीशन क्या है, हमने बोला कि भाई इन दो प्लेट्स के बीच में क्या बनेगी, आप कर रहे हैं डेरिवेशन, ठीक है ना। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी, क्लियर। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगी, अच्छा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो E इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है गॉस थ्योरम में पैरेलल प्लेट्स के बीच में, दैट मींस दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, क्या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस देखो तो यहां पर क्या बोला, सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी, ठीक है। अब क्यू हमें पता है और वी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। वी क्या है, बोला वोल्ट, तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बोला ई इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, बोला ये पढ़ा है नहीं पढ़ा, बोला सर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ध्यान से देखो, ई इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने, बोला सर ये तो पढ़ा है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है पोटेंशियल, ये क्या है डिस्टेंस, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से क्या हो गया, बोला ई इंटू डी, क्या हो गया, ई इंटू डी, किसका फॉर्मूला, बोला पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या कर रहे हैं, मतलब डेरिवेशन कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए, क्लियर है। तो देखो यहां पे हमें जरूरत क्या पड़ेगी, मतलब बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में कितनी बनती है, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब हम गॉस थ्योरम कर रहे थे ना तब हमने सीख लिया था ये, ठीक है, इनटू, तो ई की जगह ये पुट कर दिया, बोला डी की जगह डी पुट कर दो, वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू इनटू डी, ठीक है। अच्छा अच्छा तो V की वैल्यू हमें ये मिल गई, सिग्मा की जगह क्या पुट करते हैं, सिग्मा की जगह पुट कर दो Q अपॉन A, चलिए। इसके बाद बोले ये रहा D और ये रहा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ यहां से इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जब हम पुट करेंगे उसको तो हम देखते हैं कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q की वैल्यू ये रही और V की वैल्यू है आपकी Q अपॉन इस तरह से A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, क्लियर है। इसको मैं सीधा करके लिखूंगा तो किस तरह से लिख पाऊंगा, मतलब Q अपॉन ये पहुंच जाएगा ऊपर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन Q इनटू D, Q से Q कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या बन, C का फॉर्मूला क्या बन गया, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट A इनटू D, सॉरी अपॉन में है डी, ये किसका फॉर्मूला होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ अगर हम आपसे ऐसा बोलें कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, बोला यहां पर एयर प्रेजेंट है, तो एयर के लिए हम क्या यूज करते हैं, बोला एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, ठीक है। अब यहां पर अगर एयर की जगह कोई और मीडियम प्रेजेंट होता तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होती, तो हम क्या बोलेंगे, इफ एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट अदर देन एयर, क्या बोलोगे, अदर देन एयर, देन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलोगे, देन एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अगर कोई और मीडियम प्रेजेंट होता है एयर के अलावा तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट के पुट करते हैं। के का मतलब क्या है, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, है ना, ये उस मीडियम की क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो सी डैश, तो नई कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, प्लस सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, तो एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए अपॉन डी, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं कम कर सकता हूं, प्लस सी डैश इज इक्वल टू इस के को अलग निकाल दूं तो के इनटू, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सी आ गई वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं कोई और मीडियम एयर के अलावा इसमें प्रेजेंट, एयर के अलावा अगर मैं इसके अंदर भर देता हूं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि उस मीडियम की जितनी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है कैपेसिटेंस उतनी गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मैंने इसके अंदर जो है ना पेपर भर दिया, क्या भर दिया, पेपर। अब पेपर के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3, तो इसका मतलब है कि पेपर भर देने से इसके बीच में इस कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे 3 गुना बढ़ जाएगी। मैंने कहा इसके इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कोई ऐसा मीडियम भर दिया जिसके डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एयर के कंपेरिजन में, क्लियर तेरी बात। तो हम बोल सकते हैं कि डायइलेक्ट्रिक्स आ जाने से कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, कितने गुना इंक्रीज हो जाएगी, उतने गुना जितनी डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उस सब्सटेंस के लिए, क्लियर है इतनी बात। तो आप इसको नोट करो और इसके बाद हम दूसरा डेरिवेशन करें किसके लिए, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के लिए, है ना, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर विद डायइलेक्ट्रिक, ठीक है। अच्छा देखो, तो पहली चीज मैं आपको इतनी एक बार और बता दूं कि डायइलेक्ट्रिक के आ जाने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि डायइलेक्ट्रिक के आ जाने से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यहां पर और सुनो, मैंने कहा कि ये मेरे पास एक जगह है, मतलब ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब जो है ना मैंने इसके बीच में क्या भर दिया, मैंने इनके बीच में जो है ना एक मीडियम भर दिया जिसका नाम क्या है, बोला इंसुलेटिंग मीडियम है, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ये देखो, ये यहां पे मैंने एक मीडियम भर दिया इतनी जगह पे, ठीक है, देखना क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो क्या हो जाएगा कि ये इस पॉजिटिव के कारण से यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गए और इस नेगेटिव कारण से यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ये पूरी प्रोसेस कैसे हुई मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, प्लीज जाकर के देखें, ठीक है ना। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बनेगी, ठीक है। तो याद रखना कि जब ये डायइलेक्ट्रिक इसके बीच में नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से मैंने कहा कितनी बन रही थी, मैंने कहा 100 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, कितनी, 100 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इसके बीच में आ गया तो मैंने कहा क्या हो गया, ऐसा होगा कि हमने कहा कि 50 यूनिट ऑपोजिट डायरेक्शन में बनने लगी, तो नेट रिजल्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, तो ई नेट कितनी हो गई, बोला ये 50 यूनिट हो गई,
ठीक है ना, 100 इस साइड 50 इस साइड, तो कितनी बची, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची, बोला 50 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड बची। तो हम क्या बोलेंगे कि डायइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में आ गया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो हम उसको ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज अगर हम दे सकते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो क्या बोलोगे कि यदि हम दो प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को भर देते हैं तो उस कैपेसिटेंस के अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाने से पोटेंशियल कम हो जाता है, पोटेंशियल के कम हो जाने से हम उसको और ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, और ज्यादा चार्ज देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो क्या बोलोगे कि कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की बढ़ जाती है अगर हम उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करा दें तो। क्लियर है तेरी बात? चलिए बहुत सुंदर बात है। अब आप हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस ऑफ ए पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इसको नोट करो, पास नोट करने के लिए कुछ है क्या इसके अंदर? देखो, अच्छा देखो, अब हेडिंग बनाओ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक। चीजों को समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, बस आपको जो है ना डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टर्म में पढ़े हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है ना, चलो फिर भी एक बार समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है ना, तो देखो, लेट्स से हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट है। ठीक है ना, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट, तो हमने कहा कि भाई ये पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है EO या फिर E नॉट। ठीक है ना, इसका मतलब क्या, ये एयर बन रही है। ठीक है, हमने क्या किया कि भाई इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कराया। डायलेक्ट्रिक मीडियम को पूरे स्पेस में नहीं भरा, कितने स्पेस में भरा, पार्शियली फिल्ड है। ठीक है ना, दैट मींस डायलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में होने की जगह आधे स्पेस में भरा हुआ है। इस डायलेक्ट्रिक स्लैब, स्लैब का मतलब पट्टी, इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है हमने कहा भाई वो है टी। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो टोटल सेपरेशन है वो है डी। ठीक है, इस साइड जो चार्ज है पॉजिटिव, इस साइड चार्ज है नेगेटिव, तो हमने कहा इस साइड चार्ज आ गया नेगेटिव नेगेटिव, ये चार्ज इंड्यूस हो गया, क्या हो गया, इंड्यूस पोलराइजेशन से। ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक के अंदर बन गया। ठीक, तो एक बात आओ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी कि देखो, ई इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। कैसे बोलोगे, तो इसको बोलोगे ई नॉट माइनस ई पी। क्या बोलोगे, ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है भाई, एक बात बताओ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हवा में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम इसको बोलेंगे ई नॉट को डिवाइड कर दो के से, ई नॉट को डिवाइड कर दो के से, के मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू से, तो हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की वैल्यू है ये। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक। तो क्या बोलोगे, E की वैल्यू कितनी आ गई, E नॉट अपॉन K। बस ये बात आपको याद रखना है। देखो एक बार फिर सुन लो, मैंने कहा कि यहां पर E नॉट की कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर जो है ना, ये डायलेक्ट्रिक है, क्या है, डायलेक्ट्रिक। डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये पता कैसे पड़ेगा, तो उस डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का डिवाइड लगा दो बस उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कॉटन है और मैंने कहा कि मान लो, क्या करना है, मानना है बस, मैंने कहा कि मान लो कॉटन के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 5। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में बन रही थी ई नॉट, उसके 5 टाइम्स कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कहां पर, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका इसका मतलब। ठीक, तो देखो हम समझते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, बोला क्यू अपॉन वी मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो मेरे पास क्यू है ना, इस सरफेस को जो भी चार्ज दिया होगा, ये यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो मेरे पास क्यू तो है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वी यानी कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, यहां से देखो हम समझते हैं। बोला ई इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है डीवी अपॉन डीआर, डीवी अपॉन डीआर, ये डीवी क्या है, बोला पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है आपकी डिस्टेंस, है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बोला v इज इक्वल टू, हम यहां से e इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, तो हम यहां से लिखेंगे बोला v इज इक्वल टू e इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो e इंटू डिस्टेंस, तो देखना बोला v इज इक्वल टू, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में फैली हुई है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी है, e नॉट, e नॉट कितने डिस्टेंस में फैली हुई है, तो आप इसको लिखो e नॉट इंटू कितने डिस्टेंस, ये टोटल सेपरेशन इन दोनों के बीच की d,
अब इतने में जो है ना थिकनेस टी वाला क्या आएगा, डायइलेक्ट्रिक, तो क्या बोलोगे टोटल डिस्टेंस है डी, और जो है ना डी में थी हवा, अब इसमें से जो है ना टी डिस्टेंस में आ गया डायइलेक्ट्रिक, तो ई नॉट कितने में बचे, केवल डी माइनस टी में प्लस। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, बोला दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो कि इस डायइलेक्ट्रिक के अंदर है, तो हमने बोला ई इनसाइड डायइलेक्ट्रिक, तो ई इंटू थिकनेस टी के अंदर फैली हुई है, तो वी इज इक्वल टू E not into D minus T, E not into D minus T, तो ये हो गया D minus T is a, sorry plus E की जगह क्या लिखेंगे E not upon K, क्या लिखोगे E not upon K into thickness T, ठीक है ना, बहुत सुंदर आपका काम हो गया, बोला E not, E not से E not मतलब E not common आ जाएगा, अंदर का बचा बोला D minus T plus T upon K, ठीक है ना, तो यहां से V is equal to, यहां से E not को मैं लिख सकता हूं क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो V इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, कुछ नहीं करना मुझे, बस मेरा ये मेरे पास V की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको पुट करूंगा कहां पर, बोला मेरे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी, ठीक है ना, तो अब एक कम करेंगे वैल्यूज को पुट कर देंगे बस, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू, तो V की वैल्यू ये है, अच्छा एक काम करते हैं E नॉट, यहां पर E नॉट की जगह क्या पुट करें हम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू थी, ए हमने बाय मिस्टेक लिख दिया, तो V की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख दिया मैंने D माइनस टी, ठीक है ना, प्लस टी अपॉन के, इसको जैसा कैसा लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट कहां पहुंच जाएगा ऊपर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इसको, Q को मैं क्या लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना, अपॉन में क्या है सिग्मा एप्सिलॉन पूछ जाए पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है ना, तो ये बच गया अपना डी माइनस टी आपका प्लस टी अपॉन के, क्लियर इतनी बात, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी सी की जो वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की वो आ गई आपकी ए या एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन यहां पर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये देख लें आपको जो है ना उसमें दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा कैमरे के अंदर, ये वैल्यू आ गई आपकी कैपेसिटेंस की। अब बात को मेरे को ध्यान से सुनना, मैंने कहा आपसे कि यहां पर कुछ केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना, देखो ध्यान से, मैंने कहा कि यहां पर ये कंडीशन, आप इसको पहले एक बार नोट कर लो, ठीक है ना, चलिए नोट हो गया, ठीक है, देखो यहां पर इस फॉर्मूले को एक बार फिर लिखते हैं और यहां से आप क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हो इस चीज को देख लेते हैं। मैंने कहा यहां पर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिखा हुआ है ये, ठीक है, अब देखो अगर कंडीशन ऐसी बन जाए, अगर कंडीशन ऐसी बन जाए कि यहां पर ये हम डायइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्शियली फिल्ड ना लेते, है ना, इस डायइलेक्ट्रिक स्लैब की जो वैल्यू थी ना पूरी डिस्टेंस d के बराबर ले लेते, तो हम ऐसा बोलते इफ t इज इक्वल टू डिस्टेंस d, तो यहां पर c इज इक्वल टू ये d माइनस t करते तो जीरो हो जाता, क्योंकि t इज इक्वल टू d होता, तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये क्या हो जाता सिंपल d अपॉन थिकनेस की वैल्यू, ये स्लैब की वैल्यू पूरी लेते तो d अपॉन ये k लिखा होता, k पहुंच जाता ऊपर, तो c इज इक्वल टू कितना बचता एप्सिलॉन नॉट a इंटू के अपॉन डिस्टेंस d, ये फॉर्मूला बचता, ठीक है ना, इतनी कैपेसिटेंस हो जाती। इसके साथ साथ कई सारे केसेस और बनते हैं कि मान लो अगर आपने जो है ना अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब लगा दी होती तब क्या होता, अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब यूज की होती तब क्या होता, ठीक है, तो देखो अगर आपने कंडक्टिंग स्लैब यूज की होती पार्शियली फिल्ड, क्या बोलोगे पार्शियली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब, पार्शियली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब, तब क्या होता है इसकी जो है ना कैपेसिटेंस को, तो अब देखो कंडक्टिंग स्लैब के लिए जो वैल्यू है के की वो होती है इन्फिनिटी, क्या होती है के की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कंडक्टिंग स्लैब के लिए होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहां पुट करोगे ये चीज पूरी कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो यहां पर बोलोगे सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सिंपल डी माइनस टी। अगर आप क्या करते हो, अगर आप पार्शियली फिल्ड डायलेक्ट्रिक स्लैब को यूज करते हो तो आपकी जो है ना इस तरह की कंडीशन बन जाती है कंडक्टिंग स्लैब के केस में, क्लियर है ना, तो कैपेसिटेंस के बारे में ये सारी बातें हुई। अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, अच्छा इससे पहले जो है ना दो डेरिवेशन और करेंगे जो कि होंगे आपके स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, इसके बाद करेंगे न्यूमेरिकल, क्लियर इतनी बात, तो आपको करना है
अब आपको कुछ नहीं करना है, आराम से थोड़ा सा रेस्ट लेना और उसके बाद जो है ना नए टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके सारे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी करेंगे, टेंशन मत लो, सारी चीजें खत्म करा देंगे टाइम से। क्लियर इतनी बात? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।